नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ सवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी आदतों के अंदर, हमारे जीवन में है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनके कारण हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं बन पाते हैं, हम अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उन तीन बुरी आदतों के बारे में आज अपन बात करेंगे। वो तीन बुरी आदतें कौन सी हैं और अपन को उसके दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान की कुछ आदतें होती हैं, उनका कुछ व्यवहार होता है, उसकी कुछ पर्सनैलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो दूसरे इंसान को रिस्पॉन्स देता है। एक स्टूडेंट है, वो उसके साथ टीचर्स के साथ में उनके सहपाठियों से कैसे रिलेशन है, वो उनको हर इवेंट पे, हर इंसिडेंट पे किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, या फिर एक कोई एम्प्लॉई है अपने बॉस को किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, या बॉस अपने एम्प्लॉई से किस तरह से काम करवाता है, फैमिली के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो कैसे है। तो हर किसी इंसान की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उसका व्यवहार होता है, उनकी आदतें होती है, और जिनके अंदर कुछ ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारे रिलेशन अच्छे नहीं बन पाते, हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते, या फिर अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जो तीन छोटी छोटी गलतियां हैं, बुरी आदतें हैं, जिनके बारे में आज बात करेंगे कि हम उनको अगर चेंज कर लेते हैं तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, हम अपना 100% दे पाएंगे और हमारे रिलेशन बहुत शानदार होंगे। तो दोस्तों, पहली जो प्रॉब्लम है छोटी सी, वो ये है कि एक छोटी सी बुराई है हमारे अंदर, होती है कई बार कि हम किसी भी बात पे गुस्सा करके झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, झगड़ा करने की जो आदत है, जो बुराई है, उसको हमें दूर करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंस हुई है, कोई भी घटना हुई है, कोई भी आपके रिलेशन में तनाव आया है, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपका नुकसान हो गया है, तो आप झगड़ा ना करें। उस चीज का कोई ना कोई पॉजिटिव अल्टरनेट या कोई दूसरा रास्ता जरूर है जिसपे आप उसको अडॉप्ट करिए। झगड़ा करने से एक नेगेटिव एक्सप्लोजन होता है और उससे बहुत ज्यादा रिलेशन खराब होते हैं, नुकसान होता है, और आपकी प्रोग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, बहुत बड़ी बाधा आती है। तो हमें हमेशा झगड़े से बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो चीज है कि गुस्सा और आवेग में आकर, एक छोटी सी बुराई है दूसरी, कि गुस्से और आवेग में आकर हमें अपना खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गुस्से के अंदर कुछ घर का सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं, खुद अपने हार्मफुल इंजरी कर लेते हैं, या फिर किसी को कुछ ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके अपने रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होता है जो हमारी प्रोग्रेस के अंदर बाधा बनता है। तो हमें जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट है जिसके अंदर चेंज करना चाहिए, वो है कि हम आवेग में आकर अपना नुकसान ना करें, किसी चीज को डैमेज ना करें, हम किसी चीज के लिए तोड़फोड़ ना करें। और दोस्तों, तीसरा है कि किसी भी जो तीसरी जो बुराई है वो है आरोप प्रत्यारोप की, वो हम ना करें। जैसे किसी स्टाफ के बीच में कुछ इंटर रिलेशनल कंफ्लिक्ट हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो हम किसी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। कोई भी समस्या आती है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट निकालें और उसको रिपीट होने से बचाएं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जो तीन बुराइयां हैं, इनके अंदर अपन चेंज कर लेते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है उसके अंदर बहुत सारी समस्या हट जाएगी और हम प्रोग्रेस करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।